हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप अपने रेडमी ए थ्री एक्स के फोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले फोन के शेडिंग में आओ फ़ोन के शेडिंग में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आप थोड़ा नीचे आओ साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर मीडिया का साउंड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ा आप नीचे आते हो नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर सबसे नीचे साउंड इफेक्ट सबसे नीचे साउंड इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर ग्राफिक एक्वाइज एक्वालाइजर है तो इस पर क्लिक करके आप जो चेक कर लीजिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन ऊपर है कस्टम का आपको इसी पर क्लिक कर देना है इसके बाद बैक आ जाना है इसके बाद यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन है आपको हेडफोन पर क्लिक करना है हेडफोन रिमोट बटन तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक रहना चाहिए चेक कर लीजिए एक बार इसके बाद पूरा बैक आइए फोन में और सेटिंग में ऊपर सर्च करिए मोनो एम ओ एन ओ मोनो लिख के सर्च करेंगे मोनो आडियो नाम से ऑप्शन मिलेगा मोनो आडियो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये ऑप्शन बंद रहेगा तो इसको ऑन करेंगे और कोई म्यूजिक आप चला लीजिए इसके बाद आडियो बैलेंस को राइट या लेफ्ट में करिए या सेंटर में जहाँ पर आपको बेटर साउंड मिले उसको यहीं पर करके छोड़ दीजिए वॉल्यूम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी